यीशु, आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए हम तैयार होए, हमारे हृदय को और हमारे मनों को और उससे भी बढ़कर हमारे पूरे शक्ति और प्राण को हम तैयार करें, क्योंकि पूरे बल से परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे मन शक्ति और आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम आराधना में प्रवेश करने से पहले मैं कुछ वचनों से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, वो है भजन संहिता 20 अध्याय उसका 1 से 5 तक। यदि आपके पास अपने बाइबल है तो आप भजन संहिता 20 उसके 1 से 5 तक साथ में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे ऐसे लिखा है, विजय के लिए प्रार्थना। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले, वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमेन। क्या हम विजय घोषणा करने के लिए आए हैं इस दिन? आइए हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे तालियां बजाकर। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यदि आपकी गवाही है तो जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, ओ वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। क्षमा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हाथों को फैलाकर हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तालियों के साथ मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। एक और बार शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हाथों को उठाकर गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा
तालियां यीशु के लिए जो जल्द हमारे लिए वो आने वाला है। हालेलुया। जय के जोर से हम उस परमेश्वर का स्वागत करेंगे, क्योंकि जो हमें वो जल्द बादलों पर लेने आएगा, हम उसकी उसके साथ हम उठाए जाएंगे, यही हमारी आशा है। आइए जब हम प्रार्थना में बने हैं, हमारे हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाए, और जब ये अगले गीत को हम गाते हैं, हे परमेश्वर तेरा सानिध्य इस स्थान पर आए, तेरे महिमा का बादल प्रभु इस स्थान को भर जाए, क्योंकि वही हम अनुभव करने के लिए आए हैं प्रभु जी। स्तुतियों को उस परमेश्वर की ओर चढ़ाए। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, प्रभु तू छूले हम सभी को। क्या ये हमारी प्रार्थना है? हे प्रभु तू छूले हम सभी को। वो परमेश्वर स्थान में विराजमान है, और वो अपने आत्मा को उंडेलने के लिए आज भी उतना ही सक्षम है जो पहले सदी में था। यदि कोई इच्छा के साथ आया है कि हे परमेश्वर तू मुझे अपने आत्मा से भर, मुझे अपनी शक्ति मुझे दे, वो आज आपको देगा। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई और छुटकारा हो में यीशु के नाम से मिलकर, चंगाई और छुटकारा करे उस परमेश्वर से, है परमेश्वर तेरी चंगाई और छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह आपको चंगाई करने के लिए योग्य है। महिमा 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 में मिलकर, महिमा
के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, है प्रभु तू छू ले, एक जोरदार तालियों का भेंट उस परमेश्वर के नाम, क्योंकि वो यदि आज भी स्वर्ग पर विराजमान है तो हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए वो आज भी सक्षम है। आप हिम्मत ना हारे, अपने विश्वास को कम ना होने दे, क्योंकि वो आज भी जिंदा खुदा है जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और जो सारे आराधना के योग्य परमेश्वर है। जो यीशु अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया, जो महिमा में, जिसके सामने सारे स्वर्ग दूत दंडवत करते हुए उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करते थे, उस स्थान को छोड़कर वो इस धरती पर आया। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हम उस पाप से और श्राप से उद्धार प्राप्त कर पाए। वो आज भी हमारे लिए उस परमेश्वर पिता से जो है प्रार्थना करता है, ताकि परमेश्वर जब भी हम पापों की क्षमा मांगते हैं, वो परमेश्वर के सामने, जो पिता परमेश्वर के सामने वो हमारे बातों को रखता है। क्या हम उस परमेश्वर पर और अपना विश्वास अधिक कर उस परमेश्वर की ओर आज हम आए और सारी आराधना उस यीशु को हम दे। परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि तू ही महिमा में विराजमान प्रभु है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता
वचनों से प्रभु साथी मेरे है, वही मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटियों को जिन वचनों से प्रभु पीछे हो पड़ी थी, लेकिन लाल समुद्र को भाग करते हुए परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला और हमारी मदद की। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, उठाते हुए आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। परमेश्वर की आराधना करें अपने ऊंचे स्वरों के साथ, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की सारी आराधना और प्रशंसा और जलाल दे। तुझे सारी आराधना यीशु, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। हाथों को उठाकर प्रभु करें। आराधना, आराधना,
सभी को जय मसीह की। आशा है आप लोग ठीक हैं। आमेन। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन में जाएंगे, ज़्यादा समय ना बिताते हुए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7 आयत को। उत्पत्ति 2:7। और इसमें लिखा है किस बारे में है, ये कौन बता सकता है? आदम की उत्पत्ति के बारे में। जी जी ठीक। बस उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। अगर इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है He breathed into his nostrils the breath of life। यहां पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में the breath of life, और हिंदी में है उसके नथनों में अपना जीवन का सांस फूंक दिया। तो ये सांस के लिए जो इब्रानी शब्द है, जब इस वचन को लिखा गया था इब्रानी भाषा में, तो वो शब्द है रुआक। और पहले भी आप इसके बारे में सुन चुके हैं, रुआह का मतलब होता है आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। तो इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अगर देखें तो आदम के नथनों में परमेश्वर ने क्या फूंका? अपना आत्मा फूंका। रुआह जो शब्द है उसी का अनुवाद सांस के लिए किया गया है, श्वास के लिए, उसी का अनुवाद आत्मा के लिए किया गया है। तो परमेश्वर ने आदम के नथनों में आत्मा फूंका, अपना श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? क्यों बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को? वहां की भूमि को खोदने के लिए? जी, कुछ लोग कहते हैं उसकी आराधना करने के लिए बनाया। ठीक है, आप आराधना कर सकते हैं, लेकिन आराधना प्राथमिकता नहीं है जिसके लिए उसने आपको बनाया। क्योंकि लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं पहले ही, और यदि आप उसकी आराधना ना करें तो उससे परमेश्वर की महिमा कम नहीं हो जाएगी, वो फिर भी परमेश्वर रहेगा, उसकी महिमा उतनी ही रहेगी। लेकिन ये हमारे लिए एक अवसर है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हम पर उपकार किया कि हम उसकी आराधना कर सकें। परमेश्वर ने हमें बनाया कि वो हमारे साथ संगति करे, हमारे साथ मित्रता करे, हमारे साथ रहे। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। फिर क्या हुआ? हम जानते हैं आदम को बनाया परमेश्वर ने, और रोज परमेश्वर उससे मिलने आते थे, रोज बागीचे में परमेश्वर उससे मिलते थे। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम सब कुछ खाओ, सारे फल खाओ, लेकिन एक फल को मत खाना, एक वृक्ष है उससे फल लेकर मत खाना, वरना क्या होगा? उत्पत्ति 2:16 में क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू वो फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर कुछ दिन बाद शैतान जाता है और हवा से कहता है, 3:4 में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। और उसके बाद आदम और हवा ने वो फल खाया तो क्या वो मर गए? तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? वो मर गए आत्मिक रीति से, वो जीते रहे, शरीर उनका जीवित था, चल फिर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा मर गई। जो श्वास परमेश्वर ने उनके नथनों में फूंका था, जो आत्मा उनको परमेश्वर ने फूंकी थी, वो मर गई। और फिर परमेश्वर उनसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहे थे। और परमेश्वर उस रिश्ते को, जो रिश्ते के लिए परमेश्वर ने हम सबको बनाया, उस रिश्ते को वो पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, उस रिश्ते को वो फिर से बनाना चाहते थे, वो उस संगति को फिर से बनाना चाहते थे। और उस संगति के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और वो योजना जो थी वो हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3:15 में। पहली बार जब परमेश्वर के वचन में हम यीशु मसीह के जिक्र को सुनते हैं उत्पत्ति 3:15 में, ये यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने बताया। क्योंकि जब तक हम यीशु मसीह के साथ, जब तक परमेश्वर के साथ हमारा आत्मा का संबंध ना रहे, तो हम बिना नेटवर्क के मोबाइल हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है उसमें नेटवर्क ना हो तो किस काम का? और जैसे ही आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उनका संबंध परमेश्वर से टूट गया, वो बिना नेटवर्क के मोबाइल फोन बन गए। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना नेटवर्क के मोबाइल फोन हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा संबंध, हमारा नेटवर्क फिर से उसके साथ स्थापित हो जाए। और परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वो यीशु मसीह को हमारे लिए भेजेगा। उसने यीशु मसीह को आपके और हमारे लिए मरने के लिए भेजा। वो सजा, वो दंड जिसके हम योग्य थे, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर लिया। जिस क्रूस पर हमें टांगा जाना था, जिस मृत्यु को हमें प्राप्त करना था, वो यीशु मसीह ने ली, ताकि हम उसके साथ एक रिश्ते में वापस आ सके। कितने लोग परमेश्वर के साथ रिश्ते में होना चाहते हैं? हमें क्या करना है, क्या है जो हम कर सकते हैं उसके साथ रिश्ते में वापस आने के लिए? हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 1:4 को। इसमें लिखा, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करता था। मन फिराव का बपतिस्मा। यदि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं, पहली चीज है हमें मन फिराव करना है, हमें पश्चाताप करना है। यीशु मसीह ने भी जब प्रचार करना शुरू किया, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले यह नहीं प्रचार किया मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले यह नहीं प्रचार किया मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने यह प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आप इसके मन फिराने के महत्व को आप समझिए। आशीष और चंगाई ये सेकेंडरी है, प्रथम चीज आपकी प्राथमिकता है मन फिराओ, पश्चाताप करना है। मसीह जीवन की शुरुआत, यदि हम मसीह खुद को कहते हैं, हम इस बात को जाने के हमारे मसीह जीवन की शुरुआत ही मन फिराव से होती है। मन फिराव के बिना कोई मसीह जीवन नहीं। देयर इज नो क्रिश्चियन लाइफ विदाउट रिपेंटेंस।
शुरुआत मसीह जीवन की मन फिराव से होती है। कितने लोगों को लगता होगा कि वो यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं इसलिए वो मसीह हैं, वो हर रविवार को चर्च जाते हैं इसलिए वो मसीह हैं, और कुछ लोग यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी केवल इसलिए, यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दिया केवल इसलिए। क्या ये हमें मसीह बनाता है? नहीं। पश्चाताप से मसीह होने की शुरुआत होती है। हमारा पहला कदम है पश्चाताप। जब तक हम पश्चाताप ना करें हम यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हो सकते। Unless we repent, we cannot be followers of Christ. और हमें पश्चाताप करना है और विश्वास करना है ताकि हमें उद्धार मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें उद्धार मिले ताकि हमारा रिश्ता उसके साथ पुनर्स्थापित हो सके। आज के समय में उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कितने लोग क्या क्या करते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, शायद 2019 की बात है, समाचार में था, अखबारों में भी ये खबर थी, दिल्ली में 11 लोगों के एक परिवार ने मिलके आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उनसे किसी ने कहा था तुम्हें इससे उधार मिलेगा। कैसे उधार मिलता है? उद्धार केवल यीशु के नाम में है, उसके अलावा कोई उद्धार नहीं है, कोई नाम नहीं है जिससे हमें उद्धार मिल सके। हम दिन में 5 बार प्रार्थना करते हो वो हमें बचा नहीं सकता, हम चाहे उपवास करते हो वो भी हमें उद्धार नहीं दे सकता, हम कलीसिया जाते हो वो हमें उद्धार नहीं दे सकता, हम शायद अच्छे काम करते होंगे वो भी हमें उद्धार नहीं दे सकता। बहुत से लोग निर्भर होते हैं अच्छे कामों पे, किसी को अच्छा काम करते हुए देखते कहते तुम्हें पुण्य मिलेगा। क्या है पुण्य? उद्धार पाने के लिए अच्छे काम करते हैं, नहीं मिलेगा। हमारे अच्छे और भले काम फटे और मैले चीथड़ों के समान है। क्या हमें बचा सकता है, क्या हमें उद्धार दे सकता है? हमारा व्यक्तिगत रिश्ता हमारे प्रभु यीशु के साथ। जो हमारा व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है वो हमें बचा सकता है। और वो रिश्ता कैसे बन सकता है? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और अपना जीवन और अपना दिल उसको सौंप देते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है, किसी काम के द्वारा नहीं। प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, यदि तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो आत्मा जो पाप में मर चुका है, जिसका संबंध परमेश्वर से टूट चुका है, वो फिर से जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हमारा आत्मा फिर से जीवित हो जाता है। हमारे इस शरीर का रिश्ता परमेश्वर से नहीं बनता, लेकिन हमारी आत्मा का रिश्ता परमेश्वर से बनता है। तो यदि परमेश्वर से हमें रिश्ता बनाना है तो हमारा आत्मा जीवित होना बहुत जरूरी है। और हमारा आत्मा कैसे जीवित हो सकता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, तू मेरे जीवन का स्वामी बन, और आज से मेरे जीवन का प्रभु तू बन और मेरे दिल में आ जा, तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है और आपका जो मरा हुआ आत्मा है वो जीवित हो जाता है और परमेश्वर के साथ आपका संबंध जुड़ जाता है, वो नेटवर्क जुड़ जाता है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने उद्धार अनुभव किया हो पहले ही। कितने लोग हैं जो उद्धार अनुभव कर चुके हैं? मैं बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने उद्धार खोया भी है। जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं तो एक नया आत्मा हमें मिलता है। वचन हमें बताता है जो भी मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हुआ है। लेकिन उस नई सृष्टि को भी हम
भ्रष्ट कर सकते हैं, आप जानते हैं। तभी पौलुस कहता है अपने किए हुए उद्धार पे प्रतिदिन काम करो। अगर एक दिन हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे खो नहीं सकते। आजकल प्रचार होता है अनुग्रह पर, आपने एक बार उद्धार प्राप्त कर लिया आप सदा के लिए बच गए, कुछ भी करो। गलत है वो, आप उद्धार खो सकते हैं। पहला शमूएल में और उसके 10:9 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है कि शाऊल को परमेश्वर ने एक नई आत्मा दी। हिंदी में लिखा है उसका मन परिवर्तित किया, लेकिन इंग्लिश में लिखा है गॉड गेव हिम अ न्यू स्पिरिट, एक नई आत्मा। लेकिन उसके बाद जब पहला शमूएल के 16:14 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है गॉड स्पिरिट डिपार्टेड फ्रॉम हिम, परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ के चला गया। बिकॉज ही करप्टेड द न्यू स्पिरिट ही रिसीव्ड। और जब एक बार हम उद्धार खो देते हैं, हम खाली हो जाते हैं। जो चीज आपका घर है और वहां से किराएदार अगर चला गया, मान लीजिए, या उस घर में जो रहता है चला गया और खाली पड़ा है लंबे समय से, तो क्या होने की संभावना है? खंडर हो जाता है, कई जगह कब्जा हो जाता है, कई लोगों के घरों पे कब्जा हो जाता है। इसी तरीके से यदि हमारे अंदर अगर प्रभु यीशु नहीं है तो वो जगह खाली है, और खाली जगह पर दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, उस खाली जगह पर कब्जा हो जाता है। फिर हम परेशान होते कि ऐसा कैसे हो गया, भैया आप ही ने उस जगह को खाली किया है, आप ही ने परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया है, और वो आत्मा जब आपके अंदर से चला गया आप उस जगह खाली हो गए और फिर दुष्ट आत्मा आप में आके प्रवेश कर गई। दुष्ट आत्मा में इतना सामर्थ नहीं है कि यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो वो आपके निकट भी आए, लेकिन जब उसको खाली स्थान मिलता है तब दुष्ट आत्मा अंदर आती है। क्योंकि वचन बताता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है, और यदि वो मुझ में है ही नहीं तो मैं खाली हूं, और जब मैं खाली हूं तो जो इस संसार में है उसका कब्जा मुझ पर हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हो, हमारे अंदर परमेश्वर का किया हुआ जो उद्धार है वो कार्य हमारे अंदर हो। हम केवल चंगाई की वजह से प्रार्थना ना करें, हमें उद्धार चाहिए, हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए, हमें एक बचाने वाला चाहिए, एक उद्धारकर्ता चाहिए जो केवल यीशु मसीह है। कैसे हम उद्धार खो सकते हैं, हम देखेंगे यहेशकेल उसका 16:4 से। इसमें लिखा है, तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन तेरा नाल काटा गया, ना तो शुद्ध होने के लिए धोई गई और ना तेरे कुछ लोन मला गया और ना तू कुछ कपड़ों में लिपटी गई, किसी की दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाए, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई। ये दशा थी हमारी। हम जरूर इस संसार में रहे, किसकी दृष्टि हम पर हुई? किसी मूर्ति की दृष्टि हम पर हुई, किसी रिश्तेदार की दृष्टि हम पर हुई, किसी चाहने वाले की दृष्टि हम पर हुई? नहीं, कहीं से हमें उद्धार मिला नहीं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब मैं तेरे पास से होकर निकला, जब परमेश्वर हमारे करीब आया और तुझे लहू में लोटते हुए देखा, ऐसी दशा थी हमारी, गंदगी में थे हम, लिपटे हुए थे मैल से और गंदगी से, कोई हमारे पास भी आना पसंद ना करता, इतना पापों में लिपटे हुए थे। सोच के देखिए अपनी उस दशा के बारे में जहां से हम निकल कर आए हैं। शायद आपका बगल वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा, लेकिन आप उस बात को जानते हैं कि इस कीचड़ में हम लौट रहे थे। आज मैं अगर यहां पे खड़ा हूं, प्रचार कर रहा हूं, आप लोग नहीं जानते किस कीचड़ से मैं निकल के आया हूं। ऐसी दशा में परमेश्वर ने हमको देखा, हम लोग पर उसने अपनी दृष्टि करी। तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लोटती हुई जीवित रहे।
हाँ तुझी से मैंने कहा लहू में लौटती हुई जीवित रहे। हम मरने की कगार पे थे, पापों में मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा जीवित रहे। परमेश्वर ने हमें जीवित रहने का आदेश दिया, जीवित रहे। पर आज हम में से कोई भी यहां पर ना होता, बुरी दशा में हम लोग होते, परमेश्वर ने कहा जीवित रहे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया। फिर अब ये वो स्टेट आ गया, वो दशा आ गई जब परमेश्वर ने हमसे कहा जीवित रहे। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, फिर हम बढ़ना शुरू हुए। एक पौधे के समान परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। पौधे से क्यों तुलना करी गई है? क्योंकि यदि आप देखें, एक छोटा पौधा बहुत नाजुक होता है, उसे कोमलता के साथ उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको बड़ा करना पड़ता है। एक वैसे पौधे के समान परमेश्वर ने आपको और हमें संभाला, बढ़ाया। और हम लिखा है तू बड़ी होती गई और अति सुंदर हो गई, तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बड़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढाप दिया। हम पापों में नंगे थे, परमेश्वर ने अपने महिमामय वस्त्र हमें पहनाए, यीशु मसीह को हमें पहनाया। परमेश्वर ने हमारे नंगेपन को ढांका और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी और हम परमेश्वर के हो गए, हम परमेश्वर के हो गए। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मरा। तेल क्या दर्शाता है? अभिषेक किया परमेश्वर ने, साफ किया, धोया, वचन से धोया, अभिषेक किया। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों से चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर आगे लिखा है शोभामयान मुकुट भी धरा, चांदी सोने को भी पहनाया। ये परमेश्वर उस दुल्हन को तैयार कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए होगी। उसी तरीके से हम सबको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए। हमें उद्धार दिया ताकि उसकी दुल्हन हम बन सके। उसमें लिखा है तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। परमेश्वर ने अपनी महिमा से, अपने तेज से हमको बांटा। तो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन फिर हमने क्या किया? परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। व्यभिचार किया। वचन में व्यभिचार के लिए पुराने नियम में क्या सजा है? पत्थरवाओ करके मार देना चाहिए। वो व्यभिचार जब कोई पति पत्नी से करता है, वो उस व्यभिचार की बात हो रही है कि पथराव करके मार देना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर से व्यभिचार करने की बात हो रही है, और परमेश्वर से व्यभिचार करने के लिए और कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। परमेश्वर से व्यभिचार, जब हम मूर्तियों की ओर मुड़ गए, हमने क्या किया? परमेश्वर से व्यभिचार किया। जब परमेश्वर की बजाय हमने अपने पैसों पर भरोसा किया, हमने परमेश्वर से व्यभिचार किया। जब परमेश्वर की बजाय हमने अपनी नौकरी पर भरोसा किया, हमने परमेश्वर से व्यभिचार किया। जब परमेश्वर के बजाय हमने किसी मनुष्य पर भरोसा किया, हमने परमेश्वर से व्यभिचार किया। कितने ज्यादा दंड के योग्य हैं हम।
परमेश्वर से व्यभिचार किया, ना उद्धार खो दिया, दूर हो गए। लेकिन आज भी वक्त है, आज भी वक्त है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। आज भी वक्त है हम मन फिरा सकते हैं। आज भी वक्त है जो हमने गलतियां करी उससे दूर हट सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो स्वयं से इनकार करो, क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये स्वयं से इनकार करने का क्या अर्थ है? खाना पीना छोड़ दें। स्वयं से इनकार करने का अर्थ है जो आपकी बुरी आदतें हैं आप उसका इनकार करिए। जो चीजें आपको करना बहुत पसंद है यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं आप उन्हें छोड़िए। जो चीजें आप करना चाहते वो ना करिए, परंतु जो परमेश्वर चाहते हैं वो आप करिए। डिनाई योर सेल्फ। आपके चार दोस्त आपसे कहेंगे चलो क्लब चलो, आपका बड़ा मन होगा, पहले जाते होंगे लेकिन अब नहीं। डिनाई योर सेल्फ। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी आपके लिए कि आप एक धार्मिक पवित्र जीवन जी पाए। लेकिन हमने उस जीवन को दूषित किया, परमेश्वर से व्यभिचार किया। क्या हमें उद्धार मिला है? मिलेगा आज। आमेन। यशाया जब परमेश्वर के सम्मुख था, 6 अध्याय उसके 4 और 5 में हम लोग देखेंगे। यशाया 6:4-5। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डहल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं। क्या हमें यह एहसास है कि हम अशुद्ध होठ वाले लोग हैं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहते हैं? यशाया को इस बात का एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो कितना योग्य है, उसे एहसास हुआ कि वो कितना शुद्ध है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। उसने कहा, हाय है मुझ पर। लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाते हैं? जैसे पार्क में टहलने जा रहे हो। ना भय है परमेश्वर का, ना उसकी शुद्धता, ना उसकी पवित्रता का एहसास है, और ना अपनी अशुद्धता का एहसास है, बस चले जाते हैं। यहेजकेल उसका 1 अध्याय और 28 से लेके 2 अध्याय उसके 2 वचन तक, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। ये उस समय की बात है जब यहेजकेल परमेश्वर के सिंहासन के करीब था। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा, मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यहेजकेल भविष्यवक्ता कह रहा है, मैं मुंह के बल गिर पड़ा परमेश्वर के तेज के सामने। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वक्त क्या हम गिरते हैं उसके सम्मुख? क्या हम उसको इतना महत्व देते हैं? देना चाहिए ब्रदर। दानियाल के बारे में जब हम देखेंगे उसके 8:17 में, वो भी कहता है, तब जहां मैं खड़ा था वे मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति हल्की बात नहीं है। यूहन्ना प्रकाशित वाक में लिखता है 1:17 में, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा।
ये परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दास लोग सब मुंह के बल मुर्दा सा गिर पड़े परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना अयोग्य थे। क्या हमें इस बात का एहसास है कि हम कितना अयोग्य हैं? यह हमें दर्शाता है हमारी अयोग्यता कितनी है और कितना ज्यादा हमें पश्चाताप की जरूरत है। उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर कौन है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति में आराम से बैठते हैं। यदि प्रधानमंत्री आ जाए तो सब एकदम अटेंशन हो जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर आते हैं तो ढीले ढाले हम सब पड़े रहते हैं। पश्चाताप की हमें जरूरत है। पश्चाताप है पापों से मन फिराना। यीशु मरा, यीशु ने हमें आजादी देने के लिए मरा, लेकिन फिर भी आज हम अपने आप को बांधे हुए हैं पुरानी परंपराओं में, ट्रेडिशन में, अविश्वास में, ताबीज में बांधे हैं। अलग अलग जगह जाएंगे, कुछ बंधवा के आ जाएंगे। मैं एक जन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रार्थना के लिए आए, कई बार से प्रार्थना करवा रहे थे, उनके लिए मैं बराबर प्रार्थना कर रहा था। फिर एक दिन उन्होंने आके पूछा, आज भी प्रार्थना कर दीजिए और क्या फिर मैं अब ताबीज उतार सकती हूँ? मैंने कहा, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया लेकिन आप खुद को बांधे हैं। परमेश्वर ने सारे बंधन तोड़ दिए लेकिन हम खुद अपने आप को बंधनों में बांधे हैं। आज हर एक बंधन टूटना है। बंधन तोड़े बिना कोई यहाँ से आज नहीं जाएगा। अब परमेश्वर से व्यभिचार बंद। यदि आपको और चीजों का सहारा है आप ले सकते हैं, मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन फिर परमेश्वर के पीछे मत आइए। आप दो नाव में एक साथ नहीं तैर सकते, या तो परमेश्वर या कोई और। आज फैसला आपका है। यीशु मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि उसने आपको चंगाई दी। यीशु मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि आपको चंगाई चाहिए है। यीशु मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि उसमें सामर्थ है। इज़राइली लोग भी परमेश्वर के पीछे इसलिए थे, उन्हें मन्ना मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, इसलिए मत चलिए। आशीषों की वजह से यीशु मसीह के पीछे मत चलिए। बेहतर दिन पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे मत चलिए, लेकिन यीशु मसीह के पीछे उद्धार के लिए चलिए। यीशु मसीह के लिए पीछे इसलिए चलिए क्योंकि उसके प्यार के खातिर, उसके सामर्थ्य के खातिर नहीं। कोई और उद्धार का मार्ग नहीं है। यदि वो आपको चंगा नहीं भी करता है, यदि वो आपको बेहतर दिन नहीं भी देता है, फिर भी आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार रहिए। यह है चेला होना। जीसस इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन, ही इज द ओनली ऑप्शन। यीशु मसीह कई में से एक विकल्प नहीं है, वो एक मात्र विकल्प है। आज हम लोग प्रार्थना करें, फैसला लें कि अब से परमेश्वर के साथ व्यभिचार नहीं। और अगर हम चाहते हैं आज कि हमें परमेश्वर के पास वापस जाना है, हमें अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ फिर से बनाना है, तो हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। और जैसा लिखा है रोमियो उसके 10:9 में, मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे मुंह में से जिलाया, तो निश्चित
कैसे उद्धार पाएगा? घुटने से सीढ़ियां चढ़ के, तीर्थ यात्रा पे जाके। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए मुझसे जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इससे भी पहले हमें पश्चाताप करना है। आज है आपके उद्धार का दिन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और यदि कोई चाहता है परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाना, यदि कोई वाकई में तैयार है अपने पापों से मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, तो दौड़ के आप आगे आ सकते हैं। हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। वही आगे आए जो वाकई में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत समय से हमें लगता हो हमारा रिश्ता परमेश्वर से बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज हम अपने आप को जांचें। यीशु मसीह ने कहा निकोदिमस से कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। यदि परमेश्वर के राज में हमें जाना है तो जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। और ये केवल तब होता है, आत्मा से जन्म तब लेते हैं जब प्रभु यीशु को हम अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। यदि कोई आगे आना चाहता, मैं फिर कहूँगा, आप आगे आ सकते हैं। ये वक्त है, इस वक्त को आप मत खोइए। ये अवसर शायद दोबारा ना मिले। हो सकता है प्रभु यीशु आ जाए, हो सकता है हम जीवित ना रहें, लेकिन आज वक्त है जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं। आज वो वक्त है जब आप उद्धार पा सकते हैं। आज वो वक्त है जब आप अपने पापों से मुंह फेर कर आप परमेश्वर की ओर आ सकते हैं। आज वो वक्त है जब उस परमेश्वर से जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, आप उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया री बाबा शंदरबा शिखिरिया बाबा शिखंदरबा शिखिरिया बाबा। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर, आपने हमसे बात करी। ओ प्रभु हालेलुया, हम आपको स्वागत करते हैं। यदि आप लोग यीशु मसीह को आप उद्धार पाना चाहते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु बनाना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना को आप मेरे साथ करेंगे, इस प्रार्थना को मेरे साथ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मैंने बहुत से पाप किए, लेकिन आज मैं माफी चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु के आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, आपने मेरे लिए मार खाई और मेरे लिए मारे गए, और तीसरे दिन आप मेरे लिए जी उठे, ताकि जब मैं आप पर विश्वास करूं तो मैं सदा का जीवन पाऊं। आज मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, मुझे क्षमा करिए, मुझे आपकी जरूरत है। आज ही आप मेरे दिल में आ जाइए और आज से मेरे जीवन के प्रभु आप बनिए, यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर, आज आपने हमसे बात करी। प्रभु यदि हम में से कोई भी ऐसा है जो परमेश्वर आपके साथ व्यभिचार करता रहा, तो हम क्षमा चाहते हैं परमेश्वर। आपने प्रभु इन सभी लोगों को क्षमा किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम जैसे आए थे वैसे वापस नहीं जा रहे हैं परमेश्वर, आज हम आजाद होके वापस जा रहे हैं। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएगी यीशु के नाम से, हर एक बुरी आत्मा निकलेगी यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। परमेश्वर ने हमारे रिश्ते को उसके साथ फिर से बनाया है, पुनर्स्थापित किया है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, इसी वक्त निकल इस जगह से, निकल यीशु के नाम से।
और प्रार्थना करते परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का आग इन लोगों के ऊपर आ जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की आग इन लोगों पर आ जाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की आग आ जाए यीशु के नाम से। ओ री बाबा बाबा शंदर बाशखेरिया, ओ हर एक शुद्धता जल के राख हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हमसे बात करने के लिए प्रभु धन्यवाद, अपने उद्धार के कार्य को करने के लिए धन्यवाद प्रभु। इन सब के हाथ को थामे रहें और आज से प्रभु आप इनके जीवन के प्रभु हैं। इनकी चिंताएं आपकी चिंता हैं प्रभु, इनको चलाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इन सब के साथ बने रहें यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।